नमस्कार दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है आम का अचार। ये आम का अचार हम बनाएंगे बिना तेल, बिना मसाला, हींग के साथ। जिनको तेल और मसाले से एलर्जी है वो ये अचार को ज़रूर बनाकर खाएं। चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 किलो आम। ये आम कच्चे हैं, जिनमें जाली नहीं रहती है। उनको हम छील लेंगे। इनको हम छोटी पीसों में काटेंगे। ये अचार बहुत ही आसान भी है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। तुरंत आप इसको खा भी सकते हैं बनाकर। आप देख सकते हैं मैंने कितनी छोटी छोटी पीसों में काटा है। आप इसको सफ़र में ले जा सकते हैं, साल भर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। कोई भी इसमें स्टोर करने वाली चीज़ें भी नहीं डालना है। ऐसे ही हम सारे आम को काट लेंगे। सारे आम हमारे कट चुके हैं। एक कांच का बाउल लेंगे, जिसमें हम आम को डाल देंगे। इसमें हम 1/4 कप नमक डालेंगे। ये नमक से ही अचार बनकर तैयार होता है। नमक ही हमारे अचार को स्टोर करेगा और टेस्टी भी बनाएगा। सारे में अच्छे से नमक को हम मिला दिए हैं, अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसको हम ढककर रख देंगे 4 से 5 दिन के लिए। 4 दिन के बाद कुछ ऐसे आम दिखेगा। ये अच्छे से गल चुका है। आप इसको दबा कर देखेंगे तो ये अच्छे से गला हुआ है। देखिए कितना बढ़िया ये गल चुका है। अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे। 3-4 दिन के बीच में आप इसको रोज चलाते रहें। इसमें पानी अच्छे से निकल गया है। आम हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम अचार बनाते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी, 2 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप घर की कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। ये हम काला नमक डाल देंगे 1 चम्मच, क्योंकि हमने सफ़ेद नमक डाल दिया है। अब हम अच्छी क्वालिटी की हींग लेंगे, क्योंकि ये हींग का अचार है। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हींग हमारे पाचन के लिए बहुत ही फायदा करती है। तो ये हींग का अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। हींग की बहुत ही अच्छी खुशबू फैल गई है, बहुत ही अच्छी महक रही है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे बड़े चम्मच से। ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसको दाल और सब्जी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। पूड़ी के साथ खाएं, पराठा के साथ, कहीं सफ़र में भी ले जा सकते हैं। जिनको तेल और मसाले से एलर्जी है तो ये अचार बनाकर ज़रूर खाएं। 1 चम्मच अचार लें और 2-3 पूड़ी खाकर आप ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें हम कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से बहुत ही अच्छा कलर आएगा और सुंदर अचार लगेगा हमारा। खाने में बहुत टेस्टी अचार बना है। कच्चे आम का हींग वाला अचार बनकर तैयार हो चुका है। ये खाने के लिए रेडी है। 2-3 दिन बाद खाएंगे तो और भी ये टेस्टी लगेगा। आप इसको कांच के जार में भर के रख सकते हैं। साल भर ये ख़राब नहीं होगा बिना तेल के भी। आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं अगर पसंद है तेल आपको, और इसको बिना तेल वाले भी खा सकते हैं। इसमें से कोई गले में जलन नहीं होती है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद।